हमीरपुर में पूर्व पीएम वाजपेयी के निधन पर व्यापार मंडलों के द्वारा शोक व्यक्त किया गया और दोपहर 12 बजे तक अपनी अपनी दुकानों को बंद रखा गया। इससे पहले व्यापार मंडल के सदस्यों ने एकत्रित होकर पूर्व पीएम वाजपेयी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारियों ने गांधी चौक पर एकत्रित होकर वोटा चौक तक रैली निकाली। व्यापार मंडल पदाधिकारियों ने अटल जी अमर रहे के नारे भी लगाए। वहीं व्यापार मंडल पदाधिकारियों ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा। हमीरपुर में पूर्व पीएम वाजपेयी के निधन पर व्यापार मंडलों के द्वारा शोक व्यक्त किया गया और दोपहर 12 बजे तक अपनी दुकानें बंद रखी गई। इससे पहले व्यापार मंडल के सदस्यों ने एकत्रित होकर पूर्व पीएम वाजपेयी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारियों ने गांधी चौक पर एकत्रित हुए और रैली भोटा चौक तक निकाली। व्यापार मंडल पदाधिकारियों ने अटल जी अमर रहे के नारे भी लगाए। वहीं व्यापार मंडल पदाधिकारियों ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा। वहीं व्यापार मंडल पदाधिकारियों ने बताया कि आज पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी के निधन पर पूरा बाजार बंद रखा गया है और पूर्व पीएम को सभी ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने बताया कि आदर्श नीतियों पर चलने वाले व्यक्तित्व के धनी थे पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी। व्यापारियों ने अटल जी की तुलना भगवान राम से की। अटल जी अमर नहीं हुए हैं, वो अभी भी हम सबके बीच में हैं और उनका आशीर्वाद हम सबको हमेशा बना रहेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। जब तक सूरज चांद रहेगा अटल जी का नाम रहेगा। अटल जी ने अपना जीवन एक आदर्श पुरुष के रूप में, श्री रामचंद्र जी से उनकी तुलना करना मैं को बुरा नहीं समझता। श्री रामचंद्र जी भगवान जैसे आदर्श सिद्धांतों वो नीतियों में चलने वाले श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी आज हम सब के बीच में से निकलकर पंच तत्व में विलीन हो गए हैं। वो कहीं नहीं गए हैं, वो सब हम सब के बीच में हैं। उनका आशीर्वाद हम सबको हमेशा मिलता रहेगा। उन्होंने देश के लिए जो काम किया है, जब प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले उन्होंने गरीबों के लिए कैसे उनको 2 वक्त की खाना मिले, अन्नपूर्णा योजना चलाई, कैसे गरीब मजदूर की दिहाड़ी बढ़े उसकी दिहाड़ी बढ़ाई, कैसे गाँव का जो है सड़कों से जोड़ा जाए उसके लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चलाई, जिसके तहत जो गांव का निवासी शहर में आने के लिए सोचता था कई बार कि मेरी टांग में दर्द है या मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं कैसे बाजार में जाऊंगा या कैसे उसको टैक्सी में ले आना भी नहीं उपलब्ध होता था क्योंकि मार्ग ही नहीं हुआ करते थे। अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को चलाकर हर ग्रामवासी को जो है वो शहर से जोड़ा है। आज जो कि गांव में कई बार सुविधा न होने की वजह से बेवजह मौतें हो जाती थी वो आज उस पे सब विराम लग चुका है। अटल जी की नीतियों से आज हर कोई जो है वो लाभ उठा रहा है, गरीब हो चाहे महिला हो चाहे आम आदमी हो, हर किसी को जो है अटल जी की नीतियों से लाभ मिला है। मैं अटल हिंदू समाज भारत वर्ष के पूर्व प्रधानमंत्री पिछले कल स्वर्ग सिधार गए हैं, उसको श्रद्धा जाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ जिला हमीरपुर तथा हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल ने उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पूरा हमीरपुर बाजार बंद रखा है। हम उनको आत्मा की शांति के लिए आज बाजार आधा दिन बंद रहेगा और उनकी जो क्षति है वो उनके जाने से जो हिंदुस्तानों की क्षति हुई वो कभी क्षति पूरी नहीं हुई। वो एक महान सपूत थे और जब वो भारत के प्रधानमंत्री थे तो उनके कार्यकाल में भारत ने बहुत उन्नति की, उन्होंने पोखरण का परीक्षण किया और उनकी गिनती जो अब केवल हिंदुस्तान में नहीं विदेशों में के भी उनके जैसा भी नेता कोई है नहीं, तो पूरा जो हमारा व्यापार मंडल है भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ है उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं और ईश्वर से उनकी
कामना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। जय श्री राम। आज पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन होने पर सारा हिमाचल प्रदेश का व्यापारी वर्ग ने व्यापारिक संस्थान बंद रखे हैं और उनके शोक पर हमने यहाँ पर श्रद्धांजलि दी है। उनके लिए उन जैसा महान प्रधानमंत्री और व्यक्ति ना आज तक पैदा हुआ है ना आगे के लिए होगा। उनके महान कार्य, सराहनीय कार्य, जिनको भारतवर्ष क्या पूरी दुनिया याद करती है, उनकी यादगार में सारा भारतवर्ष इस वक्त डूबा हुआ है। उनके महान कार्य, उनके काल में जो हुए हैं, उनका कभी भी किसी से मुकाबला नहीं किया जा सकता है। और इसी शोक पर मैं पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि भेंट करता हूं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न उपलब्धि प्राप्त हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी इस संसार को छोड़ के दुनिया से चले गए हैं। जो अपनी छवि हिंदुस्तान नहीं बल्कि संसार में छोड़ के गए हैं वो पूरी नहीं हो सकती है। उन्होंने एक या संगठन की नींव रखी थी बीजेपी की, जवाहरलाल नेहरू से मिलके उन्होंने भी, जब उनसे परिचय हुआ जवाहरलाल नेहरू से, उन्होंने ये शब्द बोले थे कि आने वाले एक समय में आप भारतवर्ष के प्रधानमंत्री होंगे। तो जो उन्होंने सराहनीय कार्य अपने कार्यकाल में किए हैं वो सब आदमी के लिए लोकप्रिय हैं और हर आदमी चाहे किसी पार्टी से संबंधित हो उनसे प्यार करता रहा है। वो किसी द्वेष भावना से अपना राज्य करके नहीं गए हैं, वो एक मिसाल कायम करके गए हैं हिंदुस्तान में। तो उनके आत्मा के लिए हम सब प्रार्थना, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनका दिवंगत शरीर जो है आज दिल्ली में दर्शनों के लिए रखा गया है। तो हम यहीं से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे भगवान। पूर्व में रहे 3 बार प्रधानमंत्री भारत के श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी आज इस संसार को छोड़कर चले गए हैं। पूरा हिंदुस्तान विश्व तो शोक में डूबा हुआ है। हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। हम अटल जी के काम, अटल जी को बार बार याद करते हैं। देश और विदेश में भी इन्होंने अपना डंका बजाया, परमाणु विस्फोट करके विश्व में नंबर एक बना। वो एक हमारे ऐतिहासिक प्रधानमंत्री रहे जो किसी से भेदभाव, सिर्फ देश के बारे में सोचे थे। तो ऐसे दिवंगत आत्मा को मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का हाथ था, उसके लिए व्यापार मंडल ने, भाजपा व्यापार कोष ने 2-3 घंटे का बंद का आह्वान किया, जो पूर्णतः सफल रहा। अटल जी एक नाम ही नहीं थे, वो एक काम भी थे। उनके नाम और काम को हमेशा याद रखा जाएगा। अटल जी जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने जो कार्य किए वो एक सराहनीय कार्य था, पोखरण विस्फोट का। उसके बाद भी और उन्होंने कई अच्छे कार्य किए, 3 बार वो प्रधानमंत्री रहे, हमेशा उनकी याद खड़ी रहेगी। हर आदमी के दिमाग में, दिलोदाज में उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि उनकी अमर रहे, हमेशा मरे हुए भी जीवित रहे। हमारे लिए बहुत ही दुख समाचार है कि आज हमारे एक पूर्व
प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे बीच नहीं रहे, वो इस देश के ही प्रधानमंत्री नहीं, वो एक विश्व के नेता थे, को जिनको पूरा विश्व जानता था उनकी कविताओं से, उनके जो संघर्ष रहा है। जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में मात्र 17 और 18 वर्ष के थे और वो जेल में रहे थे, वो भी पूरे देश को याद है और पूरे विश्व को याद है। और जिस तरह उन्होंने अपने छात्र जीवन में भी छात्र संघ में अपनी काफ़ी भूमिका निभाई है, छात्र समुदाय के लिए काफ़ी संघर्ष किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम उनके नाम से ही नहीं उनकी कविताओं से भी जानते हैं। जिस तरह उनकी कविताएं विश्व प्रसिद्ध हैं, जिस तरह पूरा विश्व उन्हें जानता है कि वो जो भी वो अपने मुँह से जो भी कविता गाते थे वो पन्नों में दर्ज हो जाती थी। और हम काफ़ी नमन करते हैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी को। और जिस तरह आज हमने शहर में भी एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम किया और साथ में जो है एक मार्च भी जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नमन शोक के लिए जो है निकाली गई। मैं पूर्व मेरे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि वो हमेशा अमर रहें और उनकी तरह कोई शख्स, जिस तरह उन्होंने राजनीति की है उस तरह कोई शख्स अभी तक पैदा नहीं हुआ और ना ही मुझे लगता है कि आगे होगा। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कल शाम को 5:05 पर स्वर्ग सिधार गए। उनकी क्षति पूर्ति कभी नहीं हिंदुस्तान क्या पूरे विदेशों में भी पूरी नहीं हो सकती। वह एक पूरे संसार के लिए मिसाल थे, महापुरुष थे। उनकी चलाई हुई कल्याणकारी योजनाएं जो आज पूरे हिंदुस्तान में चली हुई हैं और जो उन्होंने अपने प्रधानमंत्री काल में कार्य किए हैं उसको देश कभी नहीं भूलने वाला है। आज उनकी कमी पर हमारे पास कुछ शब्द नहीं है जो कह सकें, क्योंकि हम मन से रो रहे हैं, कभी उनकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। अटल जी अमर रहें, अमर थे, अमर रहेंगे। जय हिंद। सबसे पहले तो मैं अपने पूर्व प्रधानमंत्री जी को नमन हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री हमारे ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने जो पूरे देश के लिए और जो खासकर हमारे प्रदेश के लिए जो योजनाएं चलाई थी वो आज भी चल रही और आगे भी चलती रहीं। मैं तो मतलब यही कह सकता हूं कि ये ऐसी शख्सियत थे जो अमर है। इनके बारे में कुछ कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। ये ऐसी शख्सियत थे, इनको विपक्ष तक के जो जितने भी हमारे नेता हैं सब नमन कर रहे हैं आज, तो इसलिए हमारे लिए तो अमर एक शख्सियत है।